हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर स्पेशली मैं आपको LIC AAO 2019 के एग्जाम प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जो ये फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पर वो सारे माइंड मैप मैं बताने वाला हूँ जिससे आप प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी कर पाएँ और आप जीरो लेवल के कैंडिडेट्स हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ पाएँ। मैं आपके साथ हूँ, बस आपको भी खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि हाँ, यू हैव टू बी इन अ फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि जीरो लेवल से एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहे हैं, जीरो लेवल से रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस, फाइनेंस, करंट अफेयर, सब कुछ जीरो लेवल से वो करना चाह रहे हैं, तो वो इस चैनल को डिसलाइक करें। डिसलाइक मैं बोल रहा हूँ, नॉट लाइक। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि नहीं, एक मॉडरेट लेवल से हो, तो वो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड, देखिए, मुझे डिसलाइक और लाइक से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि कितने ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको जीरो लेवल से जानना है वो डिसलाइक करेंगे, और जो मॉडरेट से ऊपर जाना चाहते हैं वो लाइक करें। देखिए, मैं जीरो लेवल से ले चलूंगा और मॉडरेट के लिए मैं बता दूंगा कि आप कौन से वीडियो से आप वहां से परफॉर्म कीजिए, और मॉडरेट लेवल के अलग क्वेश्चंस होंगे, जीरो लेवल से अलग होंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फाइनल लिस्ट में आना है। ये फर्स्ट वीडियो है, माइंड मैप है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहता हूँ जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक चीज तो मैं स्पेशली जनरलिस्ट के लिए यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जनरलिस्ट की जो पोस्ट हैं 350 और मेंस के लिए जो कॉल किया जाएगा 2010, यानी 7000 स्टूडेंट कॉल होंगे मेंस के लिए। तो ये माइंड में रखिए कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। ओके, अब आते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, कुछ लास्ट डे भी करते हैं। स्टूडेंट होते हैं तीन टाइप के। एक जो बहुत पहले से प्रिपेयर करते हुए हैं, जिनको पता है कि हाँ, मुझे LIC AO ही ज्वाइन करना है, LIC AO ही ज्वाइन करना है। ओके, एक वो होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रिपेयर कर चुके रहते हैं, वो एक अलग स्टेज पर होते हैं, वो प्रो हो जाते हैं। एक जो नोटिफिकेशन आता है उस दिन सीरियस होते हैं कि यार, ये भी फॉर्म आया हुआ, मैं बैंक तो भर ही रहा हूँ, ये फॉर्म भी फिल कर दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो एडमिट कार्ड जिस दिन आता है उस दिन सीरियस होते हैं। तो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं कि आप अभी से सीरियस हैं, आपको अच्छे से पढ़ना, और अभी भी 60 डेज है आप प्री के लिए। जब प्री क्वालिफाई कीजिएगा देन आप मेन में बैठेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये 60 डेज जी जान लगाकर प्रिपेयर करें तो आप मेरिट लिस्ट में जरूर आइएगा। मेंस प्री पेपर्स जो है 4 और 5 मई को है, और मेंस की जो एग्जामिनेशन है 28 जून को है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न पर अब डायरेक्ट हम आते हैं, और आपको ये बता दूँ कि इसमें कुछ अलग पैटर्न है। बैंक एग्जामिनेशन हुआ, जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ से अलग है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश को साइड कर दिया गया, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और LIC ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनकी क्वांट या रीजनिंग कोई एक पोर्शन पुअर है, तो उनको एक चीज़ से धक्का लगा है, चोट लगा है। और बट जिनकी इंग्लिश पुअर है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रीजनिंग और FT काफ़ी अच्छी होती है बहुत सारे स्टूडेंट की जिनकी इंग्लिश पुअर होती है, और वो बैंक बहुत सारे एग्जामिनेशन इंग्लिश की वजह से नहीं क्लियर कर पाते। तो LIC काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू बैंक PO, LIC AO की जॉब काफ़ी अच्छी है, मैं बाय हर्ट बोल रहा हूँ यार। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको सिर्फ 10 मार्क्स लाना है, और इंग्लिश का जो पेपर होगा काफ़ी आसान होगा। यहाँ पर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्प्रिहेंशन, यानी जो मेजर पोर्शन होगा आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा, एडर्स होगा, फिलर्स होगा, और क्लोज टेस्ट होगा। इस चीज़ को रखिए ध्यान में। सेक्शनल टाइमिंग है सबके लिए 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। आप जब स्पीड टेस्ट देना शुरू कीजिएगा देन आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्लेस है कहाँ पर है, और टाइम मैच नहीं होता तो भी आप मैच कर लीजिए। एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन से ब्रांड की टेस्ट सीरीज दीजिए जिससे आप फाइनली मेरिट लिस्ट में आ जाए। देखिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता या फिर डिमोटिवेट, बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जो बहुत अच्छी है, और बहुत सारे ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जो स्टूडेंट का सिर्फ टाइम लॉस करती है। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, FT भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स हैं, बट यहाँ पर इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको 18 मार्क्स मिनिमम लाना है। हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग का 20 भी जा सकता है, FT का 20 भी जा सकता है, बट आपको 18 मिनिमम लाना ही है। ओके, और पी से शॉर्टलिस्ट होंगे 20 टाइम्स, यानी 7000 स्टूडेंट जो बैठेंगे वो मेंस से बैठेंगे। मेंस के पैटर्न भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो मेजर पोर्शन FT और रीजनिंग कवर कर रहे हैं,
कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम है, बट मेजर पोर्शन एप्टी रीजनिंग है। रीजनिंग की जो 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन, अभी इन्होंने बताया ना ईच क्वेश्चन होंगे या फिर वेरिएबल होंगे कुछ, बट मैं ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाई मार्क आपको चाहिए 50%, यानी 45 मार्क्स। टाइम जो है 40 मिनट्स, यानी जो रीजनिंग का पेपर होगा क्वाइट टफ होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलर वे में इन्होंने जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर को एक अलग पोर्शन बनाया है, जनरल नॉलेज करेंट अफेयर को, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को अलग पोर्शन बनाया है। दोनों के 30-30 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं, ओके, दो दो नंबर के हैं, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क 30 मार्क्स। कैटेगरी की मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी जनरल दोनों के लिए, आई मीन सिर्फ एससी एसटी के लिए डिफरेंट है, बाकी सबके लिए। और टाइम यहाँ पर 20 मिनट्स 20 मिनट। आप देखे होंगे जब ईएसआईसी का मेंस पेपर हुआ था, ईएसआईसी एसएसओ का, वहाँ भी जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन था 20 मिनट्स में। ओके, मैं थोड़ा सा उसे कंपेयर करूंगा क्योंकि पेपर का जो लेवल होगा उसी अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर एप्टीट्यूड, यानी डेटा एप्टीट्यूड के नाम पर यहाँ पर डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन है, और जो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 45 मिनिमम चाहिए और 40 मिनट्स, यानी यहाँ पर आपको रीजनिंग और एप्टी टर्फ देखने को मिलेगी। मैं अभी से बता रहा हूँ, इसलिए आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। ओके, और जो फिफ्थ है, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, बट यहाँ भी आपको 10 मार्क्स मिनिमम लाना है, यानी यहाँ पर आपको 40% मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, 30 मिनट्स में। अब वन बाय वन मैं आपको बता दूं कि किस टॉपिक पर कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, जैसे मेरी क्लासेस जो है, मैं जो यूट्यूब पर डिस्कस करूँगा, वो आपको थ्योरी क्लासेस या फिर जो भी मैं आपको टास्क डेली दूंगा, उसकी एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करूँगा, जो भी कॉमन डाउट्स होंगे सिर्फ वही, जो आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगे वो गूगल ड्राइव पर मिलेंगे। हर वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक आपको मिलेगी, और टेलीग्राम में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए मेरे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये दो चीज़ें, आपको पीडीएफ गूगल के ड्राइव पर मिलेगा और या तो टेलीग्राम पे वो ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जीरो लेवल से करना चाह रहे हैं, मैंने पोल भी अभी किया था टेलीग्राम चैनल पर, आई मीन ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट, तो मैं जीरो लेवल से ही बताऊंगा, और जो मॉडरेट लेवल से होगा वहाँ पर आप आ जाएंगे। दूसरी चीज, इंश्योरेंस और फाइनेंस और करेंट अफेयर और जीके, ये चार टॉपिक है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर अच्छे समझाऊंगा कि क्या टॉपिक है इंश्योरेंस की, क्या टॉपिक है फाइनेंस की, करेंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है। बट जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले फाइनेंस से करूंगा, देन इंश्योरेंस आऊंगा, क्योंकि फाइनेंस थोड़ा लंबा है, फाइनेंस पहले कवर होना चाहिए, इंश्योरेंस बाद में। अगर आप फाइनेंस अच्छे से समझ लेते हैं, देन आप इंश्योरेंस को भी अच्छे से समझ लेंगे। इंश्योरेंस कवर करने के लिए मुझे मात्र इस 12 में लेक्चर लेने वाला हूँ, और हर एक लेक्चर 15 मिनट के लिए होंगे। ओके, यानी टोटल 180 मिनट, यानी 3 आवर्स का वीडियो होगा, 12 थ्योरी लेक्चर होगा और 3 से 4 एमसीक्यू मैं लूंगा, जिसमें 100 के आसपास एमसीक्यू होगा। ओके, यानी टोटल 15 वीडियो। और फाइनेंस थोड़ा सा लंबा वीडियो, फाइनेंस बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे फाइनेंस से ही होंगे। ओके, अब 6 मार्च से लेकर 20th अप्रैल अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस 25 45 डेज तक मैं एक्टिव रहूंगा। लास्ट के 15 डेज आपको सेल्फ स्टडी करना है, और 45 डेज, यानी 15th अप्रैल तक आपको जो भी थ्योरी क्लासेस देनी होगी, जो भी आपको नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा, बट आफ्टर 16th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल तक जो भी होगी आपकी डाउट सेशन ही होगी, उसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। बट 40 लेक्चर में, 40 डेज की जो शेड्यूल होगा, उस 40 डेज में मैं आपको इतना जरूर बना दूंगा कि आप जो एप्टी और रीजनिंग के जो सेक्शन है, जहां पर आपको 70 में स्कोर करना होगा, कट ऑफ देखिए आपको मानकर चलना होगा कट ऑफ 60 के प्लस माइनस 5 लेकर चलना होगा, पेपर का लेवल बहुत आसान आने वाला है। ओके, क्योंकि जब सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है 50% से अबव है प्री में, तो पेपर का लेवल आसान है। आप देखे होंगे जिन्होंने ईएसआईसी का
पेपर दिया होगा वही इसी पैटर्न का, तो वहां भी सेक्शन कटअप 45% था और वहां पर स्टूडेंट इंग्लिश में भी 45% था सब सारे सेक्शन में, बट वहां पर स्टूडेंट काफी अच्छा स्कोर किए थे। तो इससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पेपर यहाँ पर आसान आएगा। पेपर का जो लेवल होगा कलर्क लेवल का होगा, आईबीपीएस कलर्क या फिर एसबीआई कलर्क, आईबीपीएस कलर्क तो उससे भी थोड़ा सा लो हो सकता है, बट आईबीपीएस कलर्क से चले। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आईबीपीएस कलर्क और पीओ लेवल के बीच के जोन में ले चलूंगा, और फिर साथ ही साथ आपको मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन कराते हुए ले चलूंगा। मैं सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ाऊंगा जिसमें से आप 35 एफटी रीजनिंग में से जो भी क्वेश्चन है 35 में से 32 टू 34 नंबर, आई मीन आउट ऑफ 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स भी आप ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा शेड्यूलिंग है कि ऐसे ऐसे करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल यानी कि 6 मार्च से ऑनवर्ड 6 to 12 मार्च तक की क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट जस्ट अभी 15 से 20 मिनट में अपलोड कर दूंगा अभी। ओके फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बस, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके हाँ, इस चीज़ को जो कि जिसको जीरो लेवल से जानना है वो इस वीडियो को डिसलाइक करेगा, ओके, और जिसको मॉडरेट से जानना है वो इस वीडियो को लाइक करेगा। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।